हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन की पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन का कोड PNBE है और यह पटना शहर के बिहार राज्य में बना हुआ है। यह पटना शहर का मेन रेलवे स्टेशन है और दानापुर डिवीज़न के ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। पटना रेलवे स्टेशन पूरे भारत देश का सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन में से एक है। पटना रेलवे स्टेशन स्टेशन रोड महावीर मंदिर के पास पटना बिहार में बना हुआ है और इसका पिन कोड 800001 है। तो वीडियो में आप देख सकते हैं, मैंने फ्रंट से वीडियो कवर किया हुआ है। सामने इसमें ये पार्किंग बना हुआ है पूरा। तो पार्किंग के लिए इसमें मंदिर के पास में जगह नहीं थी, तो फ्रंट में पार्किंग इसको बना करके इसको रेडी किया गया है। ये आप देख सकते हैं, टिकट बुकिंग करने के लिए यहाँ मशीन लगा हुआ है और यहाँ पे बेंच वगैरह पड़ा हुआ है बैठने के लिए। बाकी आपको जो है आगे फ्रंट में जो है टिकट काउंटर मिल जाता है, वहाँ से आप अनरिजर्व और रिजर्व टिकट जनरल एक्सप्रेस मेल गाड़ी का यहाँ से बुक कर सकते हैं। बाकी आपको चार्ट मिल जाता है यहाँ पर, अलग अलग चार्ट लगे हुए हैं, उसमें ट्रेन का टाइमिंग दिया हुआ है एंट्री पर, तो आप देख करके जो है अपनी जर्नी जो है यहाँ से कर सकते हैं। स्टेशन के सामने आपको जो होटल मिल जाता है, सामने बाइक पार्किंग मिल जाता है, पार्किंग का अरेंजमेंट बना हुआ है, यहाँ पे रेलवे का ही पार्किंग है। बाकी अलग अलग इसमें काउंटर बने हुए हैं, इंक्वायरी काउंटर से भी आपको जानकारी मिल जाता है। रिजर्वेशन का भी काउंटर बना हुआ है, वहाँ से आप पूछताछ काउंटर पर जा कर के जानकारी भी ले सकते हैं। बाकी रेलवे स्टेशन के फ्रंट में यहाँ पर देखिए मस्जिद बना हुआ है। मस्जिद से जब राइट साइड में आगे आते हैं तो यहाँ पर जो है बाइक का पार्किंग है। फिर आपको जो है रिजर्वेशन काउंटर मिल जाते हैं यहीं पे, तो यहाँ पे आप इंक्वायरी भी ले सकते हैं क्या क्या है, क्या बुकिंग का अरेंजमेंट है, कौन सी ट्रेन आपको कहाँ से मिलेगी। यहाँ पे आपको टॉयलेट बाथरूम वगैरह मिल जाता है। ये प्लेटफॉर्म भी है यहाँ का, ये गेट नंबर 4 है। पटना रेलवे स्टेशन को हावड़ा दिल्ली मेन लाइन, पटना सोनेपुर मेन लाइन, हाजीपुर रेलवे लाइन, आसनसोल पटना रेलवे लाइन, पटना मुगलसराय रेलवे लाइन, पटना गया रेलवे लाइन से जोड़ा गया है। और रेलवे स्टेशन में टोटल 10 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, जिसमें 15 रेलवे ट्रैक हैं यहाँ पे, और यहाँ पे पार्किंग भी बना हुआ है फ्रंट में। रेलवे स्टेशन को 1862 में बनाकर तैयार कर दिया गया था, जिसका इलेक्ट्रिफिकेशन 2003 से 2004 में कंप्लीट कर दिया गया था। इसका एक और नाम बांकीपुर जंक्शन के नाम से भी पहले जाना जाता था इसको। यहाँ पर 2022 में लगभग 18 से 19 लाख पैसेंजर का पर डे आना जाना होता है रेलवे स्टेशन से। तो वीडियो में आप देख सकते हैं, ये जो है मैंने ये फ्रंट में कवर किया है, इंक्वायरी काउंटर है यहाँ पे, यहाँ आपको जानकारी मिल जाएगी कौन सी ट्रेन कहाँ पे जाती है, क्या उसका टाइमिंग है, ट्रेन कैंसिल हुई है कि नहीं हुई है। तो सही जानकारी के लिए आप जो है इंक्वायरी काउंटर ही जाएं। यहाँ पानी का बोतल मिल जाता है आपको, खाली बोतल ले जाएंगे तो आपको पानी जो है एक कम फेयर में मिल जाता है। बाकी ये प्लेटफॉर्म का व्यू है। यहाँ पे डिस्प्ले लगा हुआ है, इसमें टिकट का स्टेशन स्टेटस दिखाता है आपका, जो है टिकट कंफर्म है कि नहीं है। बाकी स्नैक शॉप है, यहाँ पे मिल जाता है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। ये रेलवे ट्रैक है। ये प्लेटफॉर्म भी है। ये RCTC का कैंटीन है, जहाँ पे आपको बहुत अच्छा टेस्टी फ्रेश फूड यहाँ पे आसानी से अवेलेबल रहता है। अगर आप बाहर खाने जाते हैं तो आपको महंगा भी पड़ेगा, उतना अच्छा खाना भी नहीं मिलता है, तो रेलवे कैंटीन में जो है वो चीज़ अवेलेबल मिल जाता है यहाँ पे। ये पार्सल ऑफिस बना हुआ है, यहाँ पे वेटिंग हॉल भी है, यहाँ पे बैठ करके आप वेट कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको प्लेटफॉर्म पर जगह नहीं मिलती तो आप इस साइड भी आ सकते हैं। यहाँ से जो है ये ब्रिज बना हुआ है, ब्रिज के साइड में जो है लेफ्ट साइड में बना हुआ है ये वेटिंग हॉल, यहाँ बाहर भी बैठ सकते हैं, बाकी अंदर भी अरेंजमेंट है। ब्रिज को रेलवे का ब्रिज बना हुआ है, ब्रिज के थ्रू आप जो है दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं यहाँ से। बाकी स्टेशन के
दो नंबर गेट के बगल में ये टॉयलेट बना हुआ है, ये मैंने ऊपर से रिकॉर्ड किया है, फ्रंट का ये फुटेज है वीडियो का। यहाँ पे जो आपको एस्केलेटर भी मिल जाता है और बाकी स्टेयर भी बने हुए हैं, ये देख सकते हैं आप, एस्केलेटर का व्यू है। बाकी ये प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, तो इससे जो है आप आसानी से लिफ्ट भी यूज़ कर सकते हैं, एस्केलेटर भी वर्किंग कंडीशन में रहते हैं यहाँ पे। ये अरेंजमेंट है रेलवे का बहुत अच्छा। बाकी ये ट्रेन है, ये ट्रैक पे लगी हुई है। ये टॉप का व्यू है, प्लेटफॉर्म नंबर 10 का व्यू है, ये है रेलवे स्टेशन का। ये 5 नंबर गेट है बैक साइड का, यहाँ से भी एंट्री के लिए आपको जो है स्टेयर मिल जाता है। तो यहाँ पे जो है एसी नॉन एसी जो है वेटिंग रूम बना हुआ है, हम रेस्ट कर सकते हैं जा करके। दोस्तों वीडियो को जो है लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अभी इसमें वीडियो और मैंने भी कवर किया हुआ है आगे, ये लास्ट प्लेटफॉर्म नंबर 10 का भी मैंने दिखाया है लास्ट में इसमें। तो यहाँ पे आपको जो ऑटो वगैरह मिल जाता है, बाकी इंक्वायरी काउंटर है, अंदर आते हैं यहाँ पे जानकारी मिल जाती है, हेल्प काउंटर बना हुआ है। बाकी आप लोकल टिकट मशीन से भी बुक कर सकते हैं खुद से, उसमें पैसे डालने रहते हैं आपको। बाकी फूड के लिए भी ठीक ठाक अपना अरेंजमेंट रहता है RCTC का थ्रू। यहाँ पे स्टेशन में आपको रेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, यहाँ पे वेटिंग रूम कई बने हुए हैं, हॉल भी है और डॉर्मेट्री है, आपको बाहर होटल लेने का ज़रूरत नहीं पड़ता है रेलवे स्टेशन में। ये अंदर का प्लेटफॉर्म का व्यू है, ये लोकोमोटिव है जन शताब्दी एक्सप्रेस, ये लगा हुआ है ट्रैक पे। प्लेटफॉर्म नंबर 10 है ये। यहाँ पे भी आपको बैठने के लिए जो है बेंच का अरेंजमेंट मिल जाता है आसानी से, पास में ही आपको वॉशरूम भी अरेंजमेंट है, वहाँ पे पानी मिल जाता है, खाने का भी अरेंजमेंट वहाँ पे कैंटीन में मिल जाता है आपको। ये पटना जंक्शन का बोर्ड लगा हुआ है, ये काफ़ी अच्छा और साफ़ सुथरा अरेंजमेंट है यहाँ पे रेलवे का। स्टेशन पे काफ़ी नीट एंड क्लीन इसको रखा गया है बना करके, बाकी प्रॉपर अरेंजमेंट है सारी चीज़ों का, फैसिलिटीज़ भी आसानी से मिल जाता है आपको, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पे रेस्ट रूम बना हुआ है, रेस्ट रूम के अंदर जो है बेंच पड़ा हुआ है, एसी भी लगा हुआ है, इसमें फ़ैन है, टॉयलेट का अरेंजमेंट है इसमें, तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ पे जो है दिया हुआ है। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इसी तरह के कंटेंट्स अपडेट पाने के लिए हमसे जुड़े रहें। बाहर का व्यू है ये रेलवे स्टेशन का, यहाँ पे ऑटो मिल जाता है आपको, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।